खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर पालिका कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पालिका परिसर में धरना दिया और नारेबाजी की, साथ ही मांग की कि उनका वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए। उनका कहना है कि वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं है। त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन जल्द दिया जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, नगर पालिका को नगर निगम तो बना दिया है शासन ने, किंतु जब से नगर निगम बना है कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और माह अगस्त से ये माह सितंबर चले गए, 2 माह से कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। और उधर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है हमारे, उनको भी 2 माह से पेंशन नहीं मिला है, जिस कारण कर्मचारी को बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है। कई बच्चों के स्कूल से नाम कट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारी को दिक्कत हो रही है। नवरात्रि जैसे पर्व है, पर्व को देखते हुए भी जिलाधिकारी महोदय से भी हमने गुहार लगाई है, उनके द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए गए। और हमने बार बार निवेदन कर रहे हैं कि नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाए, जिससे कि हमारा वेतन का भुगतान हो सके।